हेलो एवरीवन, पिछले 3 दिन से मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ। वीडियो बनाने में करीब 3 घंटा समय लगा और एडिट करने में 3 दिन लगे, और वीडियो मैंने कट करके छोटा मैंने करीब 50 मिनट का किया। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो हकीकत में आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। मैंने इस वीडियो में इतना बारीकी से बताया है हीरो होंडा बाइक का, 100 cc बाइक का फुल इंजन फिटिंग कैसे करना है। आप इस वीडियो को देखकर घर बैठे ही एक पक्के मैकेनिक बन सकते हैं। जी हाँ भाई, सही कह रहा हूँ मैं। हमारे वीडियो को देख देख कर 50,000 मैकेनिक अब तक बन चुके हैं, और हमारे वीडियो को देख कर कई सारे बंदे, कई सारे भाई मेरे दुकान भी, वर्कशॉप भी खोल चुके हैं। मेरे पास बहुत सारा कॉल आता है, बहुत सारा मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे आता है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दिखा दूँगा। वो खुद कहते हैं सर मैंने अपना वर्कशॉप डाल लिया है, आप मेरा हेल्प कीजिएगा। मैं सभी का हेल्प करता हूँ और आपका भी हेल्प करूँगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि पूरा इंजन फिटिंग करना आप सीख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं पिछले 4 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ अपने चैनल पर। हमारा कासिम मोटो यूट्यूब चैनल है, कासिम मोटो फेसबुक पेज है, दोनों पर आपको बाइक रिपेयरिंग से जुड़ी वीडियो मिलेगी। तो वीडियो हमारा देखते रहें, और बाइक रिपेयरिंग से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान ऑनलाइन वीडियो देखकर ही आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो छोटे भाई लोग हमारे सीख रहे हैं दुकानों पर, ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं उसके उस्ताद लोग, तो हमारे वीडियो को देख देख कर वो सीखते हैं। अगर आपका भी भाई, आपका भी भतीजा अगर काम सीख रहा है, तो उन्हें बताएं हमारे बारे में, और उसको बोलें हमारी वीडियो देखें, और बहुत जल्दी वो काम सीख जाएंगे। आप भी हमारे वीडियो को देखकर बहुत एक अच्छे तरीके से बाइक रिपेयरिंग कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों को लेकर मैं वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पर। तो ये वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखा है भाई, एक एक पुर्जा, एक एक पार्ट जो है हमने बताया है कैसा काम करता है, ये पार्ट कहाँ लेगी, इसका क्या काम है, क्या नाम है, सभी चीज़ मैंने बताया है वीडियो में। वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए, और एक लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ भी पर्सन, कुछ भी सवाल हो आप एक कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आप जो है सारे टूल्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी टूल्स का लिंक दिया है, और वो टूल्स लेकर आप खुद से सारे चीज़ों को खोल सकते हैं। यानी कि मैंने जो इस इंजन को फिटिंग किया है, वो सभी टूल्स का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो लिंक के थ्रू आप टूल्स ले सकते हैं, जो चाहे ले सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। हमेशा आपके लिए मैं फ्री रहता हूँ, क्योंकि फ्री तो रहना ही पड़ेगा। जब 3 घंटे तक मैं वीडियो एडिट करके आपके लिए डालता हूँ, तो फ्री तो रहना ही पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें। तो चलिए, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आउटपुट शाफ्ट होता है, जो जिसमें कि गियर स्पॉकेट लगा हुआ होता है। ये हो गया आउटपुट शाफ्ट, और ये हो गया इनपुट शाफ्ट, जो इसके जरिए से क्लच प्लेट इंस्टॉल रहता है, इसके ऊपर क्लच यूज होता है। तो यहाँ पे जितना भी गियर रखा हुआ है, सारे गियर में हमने नंबर दे दिया। गियर का जो टी है वो मैंने गिन कर नंबर दे दिया। यहाँ पे ये वाला जो गियर है, ये 23 नंबर का गियर है, ये 23 टी है, इसमें 23 दांत है, ये 26 दांत है, ये 29 दांत है, और इनमें से ये 35 दांत है। जैसे कि ये वाला शाफ्ट देख रहे हैं, इनपुट शाफ्ट, इनमें 11 टी है, और ये है 17 टी का, और ये 21 टी का है, और ये है 23 टी का। सारे मैंने गिन के इसको रख दिया। बाकी दोस्तों अगर गियर की बात करें, तो कुछ भाई लोग पूछते हैं कि कौन सा गियर कितना नंबर में काम आता है। तो इनमें से जो पहला गियर होता है दोस्तों, पहला गियर ये बड़ा, अगर आउटपुट शाफ्ट में अगर देखेंगे तो पहला गियर ये बड़ा होगा, और इनपुट शाफ्ट में अगर देखेंगे तो पहला गियर ये छोटा इसके साथ में होगा। ये दोनों मिलकर एक गियर होता है। जैसे कि ये वाला शाफ्ट अगर इसमें लगाएंगे, तो ये वाला जो शाफ्ट है, ये इसी के साथ जुड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से लगता है। तो ये वाला जो गियर होगा, इससे कनेक्ट रहेगा। तो फर्स्ट गियर ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ, चौथा गियर ये हो जाता है, और इसके साथ ये वाला गियर जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब फिटिंग का बारे में जानते हैं। अगर इनमें से अगर आप ये देखना चाहते हैं कौन से गियर किसमें लगाना है, तो साफ इससे पता चल जाता है। जिसका बड़ा होल है वो गियर इस आउटपुट शाफ्ट में लगेगा मोटे वाले शाफ्ट में, जिसका होल छोटा है वो इनपुट शाफ्ट में लगेगा। तो ये देखिए, ये बड़ा होल है, तो इसके साथ में एक बूश भी लगता है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये बूश लगता है। ठीक है, अब ये वाला जो शाफ्ट लगेगा ये इसमें लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले ये फिटिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें लॉक ज़्यादा लगता है, इसमें एक ही लॉक लगेगा, इसमें लॉक लगेगा ज़्यादा। तो पहले हम इसे ही लगा कर देखते हैं। तो इसे अगर उठाएंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये 11 टी का है, इसमें 11 टी होता है। ये अगर चाहे तो आप गिन सकते हैं, आप खुद भी गिन कर चेक कर सकते हैं, ये 11 टी का होगा। इसमें जो
पिनियन लगेगा, ये वाला पिनियन लगेगा, ये वाला 17 नंबर का पिनियन लगेगा, और ये पिनियन कुछ इस प्रकार इसमें लगता है। अब ये इस तरीके से आपको लगाना है, इसका जो टी है ये वाला पार्ट, ये आपको ये ऊपर की ओर रखना होगा, क्योंकि नीचे रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोई भी काम का नहीं है, और नीचे ना कोई हमें वाशर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट लगाएंगे। अब इसके ऊपर क्या करें, हम एक वाशर देंगे। वाशर हमें इसलिए देना है कि ये घूमता है, ये बिल्कुल पूरा ये घूमता है, और इसके ऊपर एक लॉक भी देना पड़ता है। ये वाशर हम इस तरीके से लगाएंगे डायरेक्ट। देखिए हमारी वीडियो बिल्कुल फुल HD का होता है, 1080 का होता है। आप अगर लो क्वालिटी में देख रहे हैं तो आप फुल HD करके या फिर 720 क्वालिटी में देखें, हमारी वीडियो को काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा। ये लग गया। अब इसके साथ में हम एक लॉक लगाएंगे। ये लॉक भी देखिए हम गलत नहीं कर सकते, ये इधर तो है ये बड़ा लॉक है, इधर ये छोटा लॉक है, तो हम इस लॉक को हम इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आसान है इस बाइक का फिटिंग करना, और आसान तो भाई पुराने मिस्त्री को लगता है, पर नए जो मैकेनिक है सीखने वाले, नया सीख कर जो दुकान की है, उसके लिए तो मुश्किल होगा ही। ये इसके साथ लग गया, अब ये फिटिंग हो चुका है। ये बिल्कुल एक जगह रहता है, आगे पीछे ये होता नहीं है। अब इसके ऊपर दोस्तों हम क्या लगाएंगे देख लेते हैं। इसके ऊपर हम इस वाले पार्ट को लगाएंगे, ये देखिए इस पिनियन को हम लगाएंगे जो 21 नंबर का होता है, और ये इस तरीके से ऊपर की ओर लगेगी। हमें नीचे वाशर देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइट जा रहा है, खोलने में भी याद हो रहा था इस जगह, खोलने के टाइम में भी मुझे परेशानी हुआ था खोलने में। तो भाई ये देखिए ये वाला पिनियन इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार काम करेगा। तो ये तीन गियर लग, एक तो गियर इसी के साथ आता है साफ्ट के साथ, ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया, ये तीन नंबर हो गया। अब चार नंबर जो लगेगा तो इसके ऊपर हम पहले एक लॉक देंगे, हमें वाशर देने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। ये लॉक भी बैठ गया है, अब हमें इसके ऊपर एक वाशर देना है, ये वाला वाशर, और साथ में ये वाला, ये हो गया 23 नंबर का गियर। ये इस तरीके से ये कंप्लीट हो गई, ये पूरा इनपुट साफ हमारा कंप्लीट हो गया। बीच में जो ये पिनियन है ये दोनों को सपोर्ट करता है, नीचे वाले को भी सपोर्ट करता है 17 नंबर के पिनियन को, और साथ में ये 23 नंबर के पिनियन को सपोर्ट करता है, और ये है 21 नंबर का पिनियन, 21T का होता है। ये हो गया 11 नंबर का। अब ये कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर हमें कोई वाशर देना नहीं है, ना ऊपर देना है ना नीचे देना है, ये बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। अब देखिए हम आउटपुट शाफ्ट को फिटिंग करेंगे। आउटपुट शाफ्ट को फिटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इस पिनियन को लगाना होगा 29 नंबर के, 29 नंबर के पिनियन को लगाएंगे, और ये पिनियन कुछ इस प्रकार लगेगी, इस प्रकार लगेगी, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला पिनियन आता है देंगे। इसके ऊपर हमें एक लॉक देना है, यहाँ पे हम सिर्फ एक लॉक देंगे, ये मैंने लॉक लगा दिया, ये बीच में ऐसे आगे पीछे होता रहेगा, ये घूमेगा नहीं। अब यहाँ पे हमें एक वाशर देना है, फिर हम ये 26 नंबर के पिनियन को लगाएंगे, 26 नंबर का पिनियन इस तरीके से लगेगा, और ये गियर इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसके ऊपर हम फिर एक वाशर देंगे, उसके बाद ये 23 नंबर का गियर लग जाएगा। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, आप जिधर से चाहे इसको लगा सकते हैं। दोनों का जो टी है देखिए दोनों में दोनों तरफ कटा हुआ है, इसमें कोई अंतर नहीं है, आप जिधर से चाहे लगा सकते हैं। ये लग गया। अब इसके ऊपर हमें ये वाला वाशर देना है, तो इसे भी हम बाद में लगाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें अब ये वाला पिनियन लगेगा 35 नंबर का, लेकिन उससे पहले हमें इसमें पहले हम ये वाला स्लीव लगाएंगे, और ये वाला जो
पिनियन लगेगा इधर से लगेगा, इस साइड से लगेगा। और अगर हम इसे इधर से लगाना चाहें तो ये काम नहीं करेगा, ये वाला जो टी है इसका जो पार्ट है इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, गियर काम नहीं करेगा, इसीलिए हमें इधर से लगाना है। अब यहाँ पे हम ये वाला वाशर देंगे। दोस्तों एक बात बता दें कि इस तरह का वाशर आपको दो वाशर देखने को मिलेगी, तो ये इंजन के अंदर ये दो वाशर इस तरह का आता है। ये मोटा वाला जो वाशर होगा, देख लीजिए ये मोटा वाला वाशर क्लच का जो हाउजिंग है उसके अंदर आता है। जब क्लच हाउजिंग आप लगाएंगे तो इसके अंदर ये वाला आएगा, ये बाहर की ओर होता है क्लच साइड में। और ये पतला वाला जो वाशर मिलेगा, जो छोटा साइज होगा इनमें से, देख लीजिए ये छोटा साइज वाशर जो होगा, ये छोटा साइज वाशर इसके ऊपर लगेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। यहीं पे बहुत मैकेनिक लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब इसके ऊपर हम ये वाला वाशर दे देंगे, कंप्लीट हो गया। तो ये दो वाशर जो है, दोनों वाशर, एक वाशर नीचे लगेगा एक वाशर ऊपर लगेगा, और इस तरीके से गियर कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, अब अगर आप इसको नाप कर देखेंगे ऐसे तो इस प्रकार ये काम करेगा, देख लीजिए गाइस ये इस प्रकार काम करेगा। तो ये फर्स्ट नंबर ये गियर हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर ये हो गया, और फोर्थ नंबर ये हो गया, ये चौथा नंबर गियर हो गया, तीसरा नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, और ये पहला नंबर हो गया। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि आउटपुट शाफ्ट में बड़ा गियर पहला नंबर होगा और इधर इनपुट शाफ्ट में छोटा गियर पहला नंबर होगा, और ये दोनों जो बराबर गियर देख रहे हैं ये चौथा नंबर हो गया ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब इनके साथ दोस्तों, अब ये देखिए हमें ये वाला जो गियर सिलेक्टर जो हमें बैठाना है, हम इस प्रकार इसको बैठाएंगे, इस प्रकार बैठाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं मैं किस तरीके से आपको दिखा पा रहा हूँ। ये अब इस तरीके से ये बैठ जाएगी, आप चाहे तो इसका फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर वीडियो के माध्यम से आप दोबारा देख सकते हैं। ऊपर ये एक वाशर लगेगा, ये वाशर लगाना ना भूलें, और साथ में इधर कोई वाशर नहीं लगेगा। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो भाई इस तरीके से मैंने पूरे गियर बॉक्स को फिटिंग कर दिया, सारे पैनल को मैंने एक साथ उसको लगा दिया। ये इंजन का सारे पार्ट्स है और मैं इस इंजन को फिटिंग करने वाला हूँ, सारे पार्ट्स को असेंबल करने वाला हूँ इस चैम्बर में। चलिए जानते हैं कि कैसे किया जाता है, और साथ साथ में हम आपको नाम भी बताएंगे, जितनी जानकारी होगी हमें नाम के बारे में वो सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। हीरो की HF डिलक्स बाइक, CD 100 और CD डिलक्स, स्प्लेंडर प्लस प्रो, स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्रो, ये सभी गाड़ियों, जितना भी हीरो की 100cc गाड़ी होती है उनमें से सारा एक ही जैसा फिटिंग होता है, सारे इंजन एक ही जैसा फिटिंग होता है। ठीक है, मैंने इससे पहले इस गियर बॉक्स को कंप्लीट फिटिंग किया, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगा, ये गियर है और साथ में वाशर है, ये सभी को कैसे फिटिंग किया जाता है उसके बारे में मैंने बताया। अब हम इसको इसके ऊपर फिटिंग करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे फिटिंग करना है, पैकिंग देना है और सेमर को हमें लगाना है। लाइव प्रूफ के साथ हम सारे चीज़ दिखाएंगे, रिंग कटे कैसे फिटिंग करना है, ठीक है, वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे, पूरा टाइमिंग चेन के साथ, यानी एक एक चीज़ आपको बताएंगे। ठीक, अगर आप भी मेरे चैनल पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को जरूर दबाइए। जो गाड़ी है धुआं मारने लगी, तो इस विषय में मैंने इसको खोला तो इसका जो हेड है, बल्ब उसका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो कंप्लेन है इसका, सिर्फ रिंग पिस्टन में कंप्लेन था, तो रिंग पिस्टन का मैंने काम किया, इसमें सिलेंडर ब्लॉक को बोर कराया है, पिस्टन मैंने नया डाला है, और बाकी हम पूरे इंजन को फिटिंग कर रहे हैं। मैंने ऐसे ही पूरे इंजन को खोल दिया कि देखते हैं कि और भी कोई अगर दिक्कत होगी तो साथ में काम कर देंगे। इसका करेंक भी बना हुआ है, इसमें MB का कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये कॉयल प्लेट है, ये सिलेंडर ब्लॉक है, साथ में इसके अंदर पिस्टन है, ये करेंक हो गया, कनेक्टिंग इसको बोलते हैं हम, ये कनेक्टिंग, ये कैमशाफ्ट है उसका हेड का, और ये है गियर शाफ्ट, ये है मैग्नेट, ये है क्लच बैलेंस, ये क्लच कटोरा है, ये क्लच के हाउजिंग के नीचे होता है, यहाँ पे क्लच सेंटर, ये क्लच सेंटर, ये क्लच हब है, और ये है क्लच हाउजिंग, इसे हम क्लच हाउजिंग बोलते हैं। ये हो गया चैम्बर, मेन चैम्बर, जो बीच वाले पार्ट, बीच वाला चैम्बर होता है, यहाँ पे सारे गियर रखा हुआ है, कार्बेटर इधर है, ये सारे वाशर है, वाशर है, कुछ बोल्ट है, कुछ बूश है यहाँ पर रखा हुआ, और इसे हम मेन चैम्बर बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में लगा हुआ होता है,
टाइमिंग चेन के साथ और गियर स्पॉकेट भी इसी में लगा हुआ आता है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स रखा हुआ है, किक है, साथ में गियर प्राइमर ड्राइव है। ज़्यादा हम वीडियो लंबा नहीं करेंगे, हो सकता है वीडियो लंबा हो क्योंकि इंजन जब फिटिंग करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो रात में टाइम निकाल कर आप जब भी समय मिले आप पूरा वीडियो देखें, तभी आप अच्छे तरीके से काम सीख पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिक सीखने वाले भाई हैं तो हर शॉप पे इस तरह की जानकारी नहीं मिलती। डायरेक्ट आपको एक एक नाम, हर चीज़ इस नाम के साथ इसका काम क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी किसी भी वर्कशॉप में, जिस पे भी जहाँ भी आप काम सीखते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम इस गियर बॉक्स को हम लगाने वाले, इस वाशर देना होगा आपको, इस तरह का वाशर को देना है, पतले वाशर को जो छोटा साइज होगा। ये न्यूट्रल पत्ती लगा हुआ है, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये वाला जो गियर शाफ्ट है, ये गियर क्रॉस हमें इधर देना है। तो भाई मेरे आज स्टाफ नहीं आया हुआ है तो मैं अकेले ही इंजन को फिटिंग कर रहा हूँ, और सोचा कि यार चलो खाली बैठा हूँ कर देता हूँ फिर। अब आपको बता दें कि यहाँ पे वाशर क्यों होता है, ये वाला जो शाफ्ट है ये थोड़ा नीचे की ओर पड़ा हुआ रहता है, इसी वजह से ये इसका लेवल पाने बनाने के लिए इसमें वाशर का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए हम इस साइड से एक बोल्ट लगाएंगे, हमें यहाँ पे एक बोल्ट लगाना है 10 नंबर का, और साथ में वाशर भी होगा। इसका बोल्ट है साथ में, ये वाशर है, इसे ही हम लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक ये रबड़ आता है, जो इस रबड़ को जो हम लगाएंगे, थोड़ा मैं साइड से मैं कोई सोल्यूशन देना है तभी हम लगाएंगे, अभी ये नहीं लगाना है, बाद में लगाना है इसे। अब इसके ऊपर हमें करेंक देना है, करेंक लगाने से पहले आपको ये बेयरिंग में ऑयल डाल देना है, चाहे नया ऑयल डालना है आपको, दोनों बेयरिंग में नया ऑयल डाल देना है, और साथ में इसके सुराख में यहाँ पे भी ऑयल डाल के, ये जो ऑयल डालेंगे यहाँ से तो ये कनेक्टिंग के बूस्ट में जाएगा, और इसको ऐसे घुमाना है तो यहाँ पे जो छर्रा बेयरिंग होता है कनेक्टिंग का वो पहुँच जाता है और फ्री हो जाता है। जब भी करेंगे हमारा ख़राब होता है तो सिर्फ इसे ही चेंज करना है, वाले ये मैग्नेट वाला जो चाबी है इसे नीचे रखना है, चाहें तो आप देख सकते हैं, और हल्का हल्का ऐसे आगे पीछे हिला के हमें पीछे दाब देना है, ये फिट हो गया। और इसको चेक करना है इसे। अब गाइस इसके बाद हमें किक लगाना है, किक के ऊपर ये वाशर होना चाहिए, ठीक है, ये वाशर रहेगा इसके ऊपर, टाइमिंग नहीं है, ये इस वाले का टाइमिंग मिलेगा। और ये जो देख पा रहे ये बिंदा का निशान, इसके द्वारा ही यहाँ पे टाइमिंग आपको दिखाई देगा इसका, और इसके बाद आपको लगा देना है। यहाँ पे किक फिटिंग करेंगे, देख लीजिए हमें यहाँ पे रखना होगा स्टेसी वाले पार्ट को, सबसे पहले हमें इस बूस्ट को लगाना है, जो गियर यहाँ से रिटर्निंग होता है, गियर लगता है,
अब हमें गियर शाफ्ट को लगाना है। इस पत्ती को लगाएंगे। ये उल्टा सीधा भी होता है, आप देख ले इसका सेंटर, इसका सुराख। ये ब्लैक वाला बोल्ट हमें लगाना है 10 नंबर का। अब यहाँ पे मैं गियर डॉग गियर सिलेक्टर लगाना था लेकिन मैं भूल गया, जो कि मैं आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि इसको कैसे लगाया जाता है। मैंने इस वीडियो को फिर से एडिटिंग किया क्योंकि ये कंप्लेन आ रही थी, बार बार कमेंट आ रहा था। चलो हम किक फिटिंग करते हैं। इससे पहले हमें स्प्रिंग लगाना होगा ऐसे, और फिर आप देख लीजिए इसके अंदर भी टाइमिंग है। यहाँ पे भी एक बिंदा सा आपको दिखाई देता होगा, ये टाइमिंग है। किक में भी एक टाइमिंग होगा बिंदा सा, उसी लाइन पर ये लाइन मिलेगा। अब यहाँ पे हमें लॉक लगाना है। अब इसके नीचे हमें ये मोटा वाला वाशर देना है। यहाँ पे हम जीपीडी पिन को लगाएंगे, गियर प्राइमर ड्राइव को, पंप को लगाएंगे, ये ऑयल पंप हुआ। यहाँ पर ये बूस्ट लगा हुआ था, हम इसे लगा देते हैं। ये इस तरीके से लगेगी। ये 2 छोटा बोल्ट है एक साइज का। इसे हम गियर डॉग गियर टेंशनर या फिर सिलेक्टर पत्ती बोल सकते हैं। और ये लगाना मैं भूल गया था, तो आगे मैं इसे दिखाने वाला हूँ। अब हमें यहाँ पे वाशर देना है, एक इस तरीके से पतला वाशर आता है, ये हमें डालना है। और फिर 2 कट वाशर का हम इस्तेमाल करेंगे। 2 कट वाशर डायरेक्ट ये नीचे जाएगा, ये एक लॉक का काम करता है। इस क्लच, ये 2 लॉक इस कलर कटोरी को ऊपर आने नहीं देता है। और साथ में ये कटोरी वाला वाशर जो उस 2 कट वाशर को पकड़ के रखता है आपस में। अब हम क्लच प्लेट लगाएंगे। सबसे पहले हमें इसके ऊपर क्लच प्लेट देना है। प्रेशर प्लेट है, इसका धार वाला पार्ट बाहर रहेगा। ये हो गया क्लच हब। फिर प्रेशर प्लेट डालेंगे। इस तरीके से सारे प्लेट को आपको लगाना है। और फिर हम इस क्लच सेंटर को लगाएंगे। हालांकि ये सारे पार्ट्स थोड़ी बहुत वीक है, कमजोर है, तो मैं इसे भी चेंज नहीं करूंगा। बस मोटा काम करने के लिए मैंने इस इंजन को खोला था। फिर इसे जो हम लगाएंगे इस तरीके से हमें आगे पीछे करके हमें डालना है।
इनमें से एक प्लेट ये ऊपर की ओर रहेगी, ये देख लीजिए। इसके ऊपर एक वाशर देना है हमें, फिर इस छोटे वाले नट को देंगे। इनमें से दो नट मिलेगा आपको, छोटा वाला हमें इधर लगाना है। इस हीरो होंडा बाइक का इंजन बांधने के लिए या खोलने के लिए जितना भी टूल्स रखता है, इस टूल्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो ऑनलाइन उसे परचेज कर सकते हैं। ये हैंडल है और ये है एक क्लच होल्डर कूलर, और ये चार हॉल वाला कूलर, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके अमेजोन पर जाएंगे। ये गियर टेंशनर है, इसे हम गियर डॉग भी बोलते हैं। इसके जरिए से गियर अच्छे तरीके से लगता है, जैसे गियर हम लगाते हैं तो कट कट जैसा आवाज़ करता है, अच्छा आवाज़ महसूस होता है। ये लगाना मैं भूल गया था तो वापस मैंने खोल के इसे लगाया। इसके ऊपर ये चार स्प्रिंग देना है, फिर इसके ऊपर ये प्लेट लगाएंगे, क्लच ठेसी प्लेट है जो क्लच को दबाने का काम करता है। चार बोल्ट 10 नंबर का लगाना होगा इसके ऊपर। यहाँ पे हम इस फिल्टर को लगा देंगे, अगर ये फिल्टर फटा हुआ तो आपको चेंज कर देना है। इसी फिल्टर के जरिए से ऑयल छाक कर ये ऑयल पंप उठाता और हेड तक पहुँचाता है। यहाँ पे हमें एक प्लेट देना है ये वाला, इसके ऊपर ये दो बोल्ट लगेगी, 8 नंबर का टी और 10 नंबर का गुना होता है। यहाँ पे हमें इस क्लच बैलेंस को लगाना है, हमने एक ये जीपीडी पिनियन का मैंने बनाया है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, जीपीडी पिनियन और साथ में क्लच हाउसिंग के साथ, और इसके जरिए से फिर हम फुल टाइट करेंगे। अब हमें इसके ऊपर ये प्लेट देना है। दोस्तों कभी भी अगर ऑयल हेड के ऊपर नहीं पहुंचता है तो आपको इनमें से ये वाला भी वाल्सी चेक करना होगा। ये वाल्सी अगर कट जाता है तो इसके जरिए से भी ऑयल नहीं पहुंचेगा हेड तक। अब यहाँ पे हम एक बेयरिंग देंगे ये वाला, जो ये वाला ठेसी लगता है। ये ठेसी अभी बाहर गिर जाता है तो हम थोड़ा ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे और इसको इस तरीके से जाम करेंगे। अगर यहाँ से ऑयल लीक करता है तो इसके अंदर एक रबड़ होता है, इसके अंदर एक रबड़ होता है, वो आप चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ पे हमें एक पैकिंग देना है, हमने कहीं भी सोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हम देख रहे हैं चैम्बर इसका बिल्कुल सही है, कहीं कोई स्क्रैच नहीं है, और हम नया पैकिंग दे रहे हैं तो हम सोल्यूशन क्यों इस्तेमाल करेंगे। सोल्यूशन से और भी इंजन गंदा लगता है देखने में। अब हम इसका हेड सिलेंडर फिटिंग करेंगे। यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन लाइनर सेट होता है, साथ में यहाँ पे हेड फिटिंग होता है, और इसके साथ में यहाँ पे अंदर में एक टाइमिंग चेन फिटिंग होता है। वो सभी चीज़ आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। हमें इस तरह का सिलेंडर ब्लॉक के अंदर नीचे यहाँ पे एक पैकिंग देना है, तो ये पैकिंग हमें इस तरीके से लगाना होगा।
अगर आप नया सिलेंडर ब्लॉक किट लगाते हैं तो उसके साथ में पैकिंग आता है, आपको वही पैकिंग लगाना है। अब गाइस यहाँ पे देखिए एक सुराग मिलता है, ये सुराग अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऑयल पंप से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से ऑयल हेड तक पहुँचता है इसी सुराग के जरिए से। ये सुराग किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पीतल वाला जो सुराग देख पा रहे हैं, साथ में यहाँ पे एक ऑयल रिंग रबड़ लगेगा। ये पुराना सिलेंडर ब्लॉक है, पहले सिलेंडर ब्लॉक इस गाड़ी का चयन किया गया था, स्टैंडर्ड साइज था ये। अब मैंने इसको 25 नंबर इसमें पिस्टन डाल के ओवर साइज का इसको बोर कराया और इसका सिलेंडर लाइनर फिनिशिंग हो गई। और अब हमें इसमें इस पिस्टन में रिंग डालना है हमें और इसे इंस्टॉल करना है, इस सिलेंडर ब्लॉक को इस इंजन में फिटिंग करेंगे। चलिए ये भी जानते हैं कि रिंग को कैसे फिटिंग किया जाता है। हालांकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखा पहले ही, लेकिन कंप्लीट मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इसलिए मैं इसमें भी जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि आप इंजन देख पा रहे हैं, अगर आपने इस तरीके से इंजन खड़ी रख करके रखा है तो इस IN को ऊपर रखना होगा। इस पिस्टन को हम इस प्रकार लगाएंगे, ये देखिए। जब हम ऐसे लगाएंगे तो सबसे पहले हमें इस साइड में इसके एक लॉक लगाना है, इनमें से एक लॉक लगाना है हमें इस साइड में। और लॉक जो हम लगाएंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये देखिए। यहाँ से हमें शुरुआत करना है इस जगह से। और ये गजन पिन, पिस्टन का पिन, ये इस तरीके से लगेगा। इनमें से आप जो रिंग देख पा रहे हैं, पांच रिंग है। पांच रिंग में से सबसे पहले इस वाले रिंग को हम लगाएंगे, गोल्ड कलर के रिंग को लगाएंगे। यहाँ पे हमें लगाना है, इसका जो ये कटा हुआ भाग जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इसे आपको M बनाना है। ये M कुछ इस प्रकार बनेगी। हम इस तरीके से इसको लगाएंगे। अब हमें दो पतले वाले रिंग को लगाना है, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता, आप चाहे जैसे लगा सकते हैं। इसके अगर गैपिंग की बात करें तो एक गैपिंग मैंने यहाँ पे रखा, दूसरा गैपिंग हमने यहाँ पे रखा। थोड़ा और इसको घुमा के हम इस साइड में ले आते हैं। अब देखिए इनमें से जो टॉप टू वाला रिंग आप देखेंगे, ये ब्लैक वाला रिंग है, इसे हम टॉप टू बोलते हैं। इसका जो आप नंबर देख पा रहे हैं, 25 नंबर का ये रिंग है और ये 25 नंबर का पिस्टन, जितना नंबर का पिस्टन होगा उतने नंबर का ये रिंग होता है। इस नंबर को हम ऊपर की ओर रखेंगे और इसका गैपिंग हम नीचे की ओर रखेंगे। ये रिंग पिस्टन है गोश कंपनी का, ये देख लीजिए, इस कंपनी का रिंग पिस्टन है। अब ये हुआ टॉप वन, ये रिंग है टॉप वन, देख सकते हैं। और इसका गैपिंग हम रखेंगे रिंग के ऊपरी भाग में, पिस्टन के ऊपर ऊपर भाग में। ये देखिए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसका IN ऊपर रखना है, तो टॉप वन का रिंग ऊपर हमने रखा इसका गैपिंग, और टॉप टू का गैपिंग हमने नीचे की ओर रखा। ये थोड़ा बहुत इधर उधर अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसमें ऑयल नहीं डालना है, पहले हम इस पिस्टन को हम इसमें फिटिंग करेंगे, उसके बाद हम पिस्टन लगाएंगे। इस पिस्टन को फिटिंग करने के बाद हम सिलेंडर ब्लॉक को लगाएंगे। अब हमें लॉक लगाना है,
तो सबको आना पड़ेगा वही पंचायत भवन में हो रहा है, अभी भी हो रहा है वही मोहन जो पहिया चंद्र नहीं है वही कर रहा है। इस लॉक को लगाने से पहले आपको एक कपड़ा रख लेना है यहाँ पर, अगर नहीं रखते हैं तो आपको ध्यान से इस लॉक को लगाना होगा। नया मोबाइल दे, अब इसके ऊपर हमें ऑयल डालना है नया वाला। यहाँ पे मैं एक इस तरह का रबर डालना है, ऑयल रिंग रबर। रिंग को हमें थोड़ा नाखून से दबाना है और हम सिलेंडर को आगे पीछे ऐसे हिला के हमें अंदर डालना है। और ये सिलेंडर लगाते समय ये रबड़ नीचे नहीं गिरना चाहिए, आपको ये भी ध्यान देना है, ये वाला रबड़। इस तरीके से फिटिंग हो गई। अब यहाँ पे हमें एक बोल्ट लगाना है, यहाँ पे एलंकी बोल्ट लगता है जो 5 नंबर का हम एलंकी यूज करेंगे। इस एलंकी बोल्ट को हम पहले फुल टाइट नहीं करेंगे, यहाँ पर हेड लगा के सारे चारों नट हमें इसको इसका टाइट करना है, उसके बाद हमें इस एलंकी वाले को टाइट करेंगे। अब यहाँ पे हमें हेड गैस्केट लगाना है। यह है हेड गैस्केट। ऊपर हम रेसी बांध देंगे। होता है इसके ऊपर 2 बुश लगाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से एक बुश लगाना होगा, ये देख लीजिए कॉलर बुश होता है, साथ में एक रबड़ होता है। अगर नए मॉडल वाला सिलेंडर ब्लॉक है पैशन प्रो वाला तो उसमें ये नहीं लगेगी, जिसमें ये वाला गैस्केट नहीं लगता है। अब हमें एक लोहे का वाशर देना है और एक ये रबड़ देना है इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसे लगा देंगे। टाइमिंग चेन का स्पॉकेट चाहे तो आप पहले ही लगा दें या फिर बाद में भी लगा सकते हैं। अब हमें हेड लगाना है।
हेड लगाते समय आपको नीचे का वो जो रबड़ मैंने लगाया था उस पर ध्यान देना होगा। और यहाँ पहले हम एलंकी बोर्ड लगाते हैं, फिर यहाँ का इसके ऊपर ये वाला गैस पैकिंग हमें इस तरीके से देना है। इस प्लेट को लगाते समय आपको ये तीर वाला पार्ट नीचे रखना है, इस तरीके से हम लगाएंगे। यहाँ पे ये चार वाशर और इस तरह का नट लगेगा, इनमें से आप पीतल वाला जो वाशर देखेंगे ये पीतल वाला ये वाला है, इसे हम यहाँ पे लगाएंगे, बाकी सारे को इधर उधर लगा देंगे। नट में कोई पीतल नहीं होता है। ये सारे दशमर के नट को अच्छे तरीके से आपको टाइट करना है, और ध्यान रहे ये बराबर टाइट होनी चाहिए, ये नहीं कि हम एक साइड ज़्यादा कर दें और एक साइड कम कर दें, और ज़्यादा ताकत भी हमें नहीं लगाना होता है, हम अपने बैलेंस से टाइट करेंगे। जितना छोटा नट होता है उसी के हिसाब से हम जोर भी लगाते हैं। उसके बाद हम इस एलंकी वाले बोल्ट दोनों को हम टाइट करेंगे, और फिर हमें टाइमिंग चैन के टाइमिंग को सेट करके हमें ये सब चीज़ें लगा देना है। तो अभी फ़िलहाल टाइमिंग आउट है, अब मैं इस छोटे वाले रूलर को लगाता हूँ और मैग्नेट लगा के हम टाइमिंग सेट करते हैं। यहाँ पे एक निशान होता है टी के साइड में, ये कट वाला, और साथ में चैम्बर में भी एक कटा हुआ भाग होता है, इस दोनों को हमें आपस में मिलाना होता है। तो इस तरीके से आप मैग्नेट के टाइमिंग को पहले मिला लें और फिर टाइमिंग चेन के टाइमिंग को इस तरीके से आप मिलाएं, ये वाला बिंदा इस चैम्बर से जुड़ा हुआ रहे। थोड़ा आउट है, एक कड़ी और मैं ऊपर करता हूँ। देखिए अब यह टाइमिंग मिल चुका है, अब हमें इसका दोनों बोल्ट लगाना है। इस बोल्ट को मुझे अच्छे तरीके से टाइट करना चाहिए, अगर लूज रह जाता है तो ये चलते हुए फिर निकल जाएगा बाहर। अगर इसका पैकिंग फटा हुआ है तो आपको नया डालना है। इसका बोल्ट हम राइट साइड से लगाएंगे, स्पार्क प्लग के साइड में होता है। इसके साथ में एक एल्युमिनियम वाशर देना है आपको, वरना उस साइड से ऑयल लीकेज करेगी। इस बोल्ट को उस साइड से हमें इतना ज़्यादा ज़ोर से टाइट नहीं करना है कि इसका गुना स्लिप कर जाए, हमें इसे भी थोड़ा बैलेंस के हिसाब से टाइट करना चाहिए। अब हमें टाइमिंग चेन का पुश रट लगाना है, ये है पुश रट। इसका अगर ये रबड़ कटा हुआ है तो आप बिल्कुल इसे चेंज कर दें, तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। इस तरीके से हमें लगाना है। ये पुश रड कंप्रेसर बनाने में काम आता है, टाइमिंग चेन को हमेशा ऊपर की ओर दबा के रखता है। जिस तरीके से आगे का शॉकर काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो भाई मेरे, हमारे पास स्टार्ट नहीं आया था तो मैंने इस इंजन को पूरा अकेला ही बांधा है। ये बोल्ट जब लगाएंगे आप 14 नंबर के बोल्ट को, तो यहाँ पे भी एक एल्युमिनियम वाशर देना है,
अगर वाशर नहीं देंगे तो फिर ऑयल लीकेज करेगी। इसे हम पूरे अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, लूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके ऊपर जो 8 नंबर का टी वाला बोल्ट लगा हुआ है उसे भी आप पूरा टाइट रखें। अब यहाँ पे ये दो रबड़ देना है, अगर इसे नहीं देते हैं तो फिर कॉइल प्लेट में जो दो स्क्रू होता है बोल्ट उसके ज़रिए से लीकेज करेगी और बाद में दिक्कत करेगा। अब इस प्लेट को हम लगाएंगे, इसमें भी हमें एक ऑयल रिंग देना है क्योंकि इसका पुराना वाला ऑयल रिंग मैंने निकाल दिया था। इसमें हमें कोई सोल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ग्रीस डालेंगे कि ये प्लेट अच्छे तरीके से फ्री होकर चेंबर में बैठ सके। हमें तीर वाले भाग को ऊपर करना है, अब दोनों बोल्ट को लगा के हम बराबर टाइट करेंगे, गुना में फंस जाएगा दोनों बोल्ट स्क्रू, उसके बाद हम प्लेट को ठोकेंगे। वैसे मैं इस मैग्नेट को फुल टाइट करूंगा, जब इस इंजन को चेसिस में टाइट कर दूंगा तभी इस मैग्नेट को टाइट करूंगा, और इस तरीके से हम फुल टाइट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देख चुके हैं और समझ भी चुके होंगे कि इंजन कैसे बनाया जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।